हेलो स्टूडेंट, कल हमने उसका पहला वीडियो न्यूटन का पहला लॉ हो गया है, न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया कल, आज न्यूटन का थर्ड लॉ ले लिया। और न्यूटन के थर्ड लॉ को जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, वो अगले वीडियो में लेंगे। अभी फिलहाल हमें ये न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ये समझा देने का है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है कि एक फोर्स जो अप्लाई होता है एक बॉडी के ऊपर उतना ही अपोजिट फोर्स दूसरे बॉडी से उसके ऊपर अप्लाई होता है। एक अगर एक्शन अगर कर रहा तो उतनी रिएक्शन वो अपोजिट कर रहा, मगर वो कैसी हो रही कि साइमल्टेनियसली हो रही। एक अगर एक्शन हो रही तो उसकी रिएक्शन आती ही, जैसा अभी एक वॉल है, वॉल के ऊपर हमने अगर जोर से अगर मार दिया आदमी, क्या होगा कि अपनी बॉडी को हीट होगी, तो हीट है ना, उतनी पेन बढ़ेगी। आराम से अगर मार रहे हम तो धीरे से अगर मार रहे तो उसकी रिएक्शन कम रहेगी, मगर जम से अगर मारेंगे तो रिएक्शन उतनी ज्यादा रहेगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन दोनों कैसे इक्वल है और अपोजिट है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Every action force, there is equal and opposite reaction force simultaneously. अभी just एक example ले रहा हूँ। एक example है ना कि cricket का ball या तो अपनी book में जो example दिया है, एक plastic boat लिया हमने, अभी ये boat को rear end में यानी उसके last end में यहाँ पे क्या किया हमने, एक hold किया, और ये होल्ड करने के बाद में यहाँ पे एक ट्यूब लगाई, यहाँ एक ट्यूब लगाई, अभी ये पानी है, यहाँ पे ये वाटर है, अभी इसके ऊपर एक इन्फ्लेटेड बलून, ये बलून यहाँ पे ऐसा हमने फिट कर दिया, और इसको ये अदर एंड जो है इसको क्लोज करते रहते हैं। अभी क्या किया हमने, ये रिलीज कर दिया, ये रिलीज करते बाद ये एयर क्या हो जाएंगे, इसमें से एयर बाहर आना शुरू हो जाएगी। अभी ये एयर जो है ये एयर कहाँ पे आएंगी, ये वाटर के ऊपर एक्ट करेंगी, यानी ये एयर जो है ये एयर क्या कर रही है, वाटर के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई कर रही, ये क्या हो रही द एक्शन फोर्स। ये एयर ने क्या किया, ये एयर ने वाटर के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई किया, तो वाटर ने क्या किया, ये बलून के ऊपर मींस क्या हुआ, ये जो बोट है ये बोट के ऊपर क्या किया, बोट के ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया। ये कौन सा फोर्स अप्लाई किया था, रिएक्शन फोर्स। जितना एक्शन फोर्स बलून की एयर ने अप्लाई किया उतना ही रिएक्शन फोर्स ये वाटर में जो है ये बलून के ऊपर है, ये किसके ऊपर अप्लाई किया, ये बोट के ऊपर अप्लाई किया, और वो बोट आगे गई। अभी जैसा हम पानी में तैरते हैं या स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग करते समय क्या करते हैं, हम पानी पीछे खींचते हैं यानी हम एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्शन फोर्स जितना अप्लाई कर रहे हैं उतना ही वाटर क्या कर रहा है, हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है उतने। अगर जब से अगर पानी हम अगर पीछे खींच रहे हैं एक्शन फोर्स कर रहे तो उतना रिएक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, यानी उतनी स्पीडली हम आगे जाएंगे। और सेकंड एग्जांपल जैसा अभी हम क्रिकेट खेलते समय क्या करते हैं कि बैट से क्या कर रहे हैं कि बॉल को हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद में हीट करते बराबर क्या हो जाएगा, ये बैट का स्पीड कम हो जाएगा, यानी उसने एक्शन की ये रिएक्शन क्या हो गई, बैट ने रिएक्शन करने वाला क्या हो गए, एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए। या बैट का जो स्पीड है वो बैट का स्पीड क्या होगा, कम होगा। अभी जस्ट एक दूसरा एग्जांपल, गन में से जब बुलेट फायर करते बुलेट फायर करने के बाद में गन रिकॉइल होती है ना, वो बैट में आती, यानी गन ने क्या किया, एक्शन फोर्स किया किसके ऊपर, बुलेट के ऊपर, तो बुलेट ने क्या किया, रिएक्शन फोर्स गन के ऊपर अप्लाई किया, करते हमें स्लाइटली बैक जर्क मिलता। ये एक्शन एंड रिएक्शन दोनों में से इक्वल एंड अपोजिट है। एवरी एवरी एक्शन फोर्स
एवरी एक्शन फोर्स, एवरी एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। एवरी एक्शन फोर्स इज इक्वल टू द रिएक्शन फोर्स। आप दोनों कैसे हैं? साइमल्टेनियसली है, साइमल्टेनियसली है। जितना एक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ा है उतना रिएक्शन फोर्स ज्यादा है, जितना एक्शन फोर्स कम रहेगा उतना रिएक्शन फोर्स भी कम रहेगा। कौन से भी दो एक्शन, दोनों कौन से भी दो फोर्स भी है जो यूनिवर्स में एक अलोन भी नहीं रहे, एक फोर्स या दूसरा फोर्स, ये दोनों फोर्स एक मीन्स अलोन यानी अकेले में नहीं रहते, दोनों यानी एक ही एक्शन हो रही मगर उधर से रिएक्शन नहीं हो रही, ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों ही एक्ट होंगे। जितना एक्शन होंगे उतनी ही रिएक्शन होंगे, ठीक है। अभी इसके बाद में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसका अगला जो टॉपिक है वो सेकंड वीडियो में यानी कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।